वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज्यादा। जी, हम लोग दो दिन से देख रहे हैं स्कीम्स के बारे में बहुत सारा देखे। अब हम लोग कुछ ऐप्स एंड पोर्टल्स जो कि अलग अलग मिनिस्ट्री या कोई भी अगर लॉन्च किया है और किस चीज के लिए, उसको देख लेते हैं। एक्चुअली मैंने कहा WBCS बहुत ही सामने है प्रीलिम्स, इसीलिए जितना हो सके हम लोग करंट अफेयर कवर करने का कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल पेस में चलेंगे। सबसे पहले है मोबाइल दोस्त ऐप, ये जम्मू एंड कश्मीर में चालू किया गया, आपका मोबाइल हमारा दफ्तर बोल के। इसमें लगभग 450 या उससे भी ज़्यादा जो भी गवर्नमेंट का अलग अलग जो काम काज होता है वो इसमें शामिल किया गया है। कोई भी सर्टिफिकेट इशू करना, लाइसेंस, वेलफेयर स्कीम सब इसमें मिल जाएगा आपको। अच्छा, दूसरा है डिजिटल इंडिया भाषिनी, ठीक है। ये भाषिनी क्या चीज़ के लिए है अगर पूछा जाए, ये एक इंडिया का AI लेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है। कोई भी लैंग्वेज से कोई भी लैंग्वेज ट्रांसलेशन यहाँ आराम से हो जाएगा। अच्छा, ई सरस ऐप, ये दीनदयाल अंत्योदय योजना या फिर नेशनल लिवलीहुड मिशन का तहत इसको लागू किया गया है। ये एक्चुअली ई कॉमर्स मोबाइल ऐप है, जैसे कि ई कॉमर्स में हम लोग देखते हैं ना अमेजोन वगैरह है, फ्लिपकार्ट है, वैसे ही इसको बनाया गया है मार्केटिंग के लिए। कोई भी प्रोडक्ट जो कि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो वुमेन्स होती है, लोग तो बहुत सारा प्रोडक्ट वगैरह बनाती रहती है, तो ये जो ई सरस ऐप है इसका जरिए से वो लोग मार्केटिंग कर सकती है और सब तक पहुंच सकती है और लोग का भी फायदा होगा। अच्छा, इलन मस्क का नाम तो सभी कोई जानता है, ये इन्होंने अभी रिसेंटली क्या लॉन्च किया, सब ये जुलाई अगस्त का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर्म XAI ये इन्होंने लॉन्च किया है। अच्छा, हिमाचल गवर्नमेंट जो है एक वेबसाइट लॉन्च की आपदा राहत कोर्स, हिमाचल गवर्नमेंट, मैंने उस दिन भी कहा यहाँ का CM कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। एक्चुअली देखा जाए तो बस अब तीन जगह ही कांग्रेस का सरकार बचा है, ये हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका और अभी तेलंगाना में बना है, बाकी 10 से 12 जगह BJP का खुद का सरकार है और बहुत ऐसा जगह BJP का कोलिशन गवर्नमेंट चल रहा है, और हाँ बिहार में भी कांग्रेस का थोड़ा सा हिस्सा है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या लॉन्च किया, उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन। ये ना बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, उल्लास का फुल फॉर्म पूछ देगा, पहला एल का या फिर बाद वाला एल का, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ठीक है। और इसका मेन पर्पस क्या है, एक्सेस टू बेसिक लिटरेसी। बेसिक लिटरेसी में क्या क्या आता है, लैंग्वेज आता है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज आता है, ये सबको प्रचार प्रसार करने के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन को चालू किया गया। अच्छा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उन्होंने क्या लॉन्च किया, राजमार्ग यात्रा, एक ऐप, यूनिफाइड मोबाइल ऐप लॉन्च किया, ठीक है, नेशनल हाईवे यूजर्स के लिए। राजमार्ग का मतलब नेशनल हाईवे होते हैं, टोल प्लाजा कितना दूर में है, रोड का कंडीशन कैसा है, रियल टाइम वेदर और भी बहुत कुछ इसमें रहेगा। वो जो भी बड़ा बड़ा रास्ता में जब जाता है ना नेशनल हाईवे में लंबा लंबा सफर, तो लोग को आराम से ये सब एक ही ऐप में समझ में आ जाएगा जो कहाँ क्या है। वैसे रोड मिनिस्ट्री मिनिस्टर जो मिनिस्ट्री किसके हाथ में है, यहाँ नितिन गडकरी जी। स्टडी इन इंडिया पोर्टल, ये एक पोर्टल चालू किया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री दोनों मिला के चालू किया है। बाहर का जो भी, पहले तो हम लोग देखते थे ऐतिहासिक टाइम में भी बाहर से सब कोई आता था, फाहियन हियन संग बहुत कोई पढ़ने लिखने आता था, बट अभी कम हो गया, अभी यहाँ से ज़्यादा जाते हैं, तो ये सब इसलिए चालू किया गया, तो बाहर का जो फॉरेनर स्टूडेंट है वो लोग आके ये पोर्टल का यूज़ करके जितना भी सीमलेस उन लोग का जो सुयोग सुविधा है सब उन लोग को मिल सके, इसलिए चालू किया गया। MP गवर्नमेंट और UNPF, UNPF माने यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, दोनों मिलकर एक AI पावर्ड चैटबॉट। चैटबॉट माने मालूम है आपको, अभी आप देखिएगा स्विगी जोमेटो में अगर कोई कंप्लेन करिएगा तो वहां से तुरंत ही अचानक से AI जनरेटेड कुछ ना कुछ मैसेज आ जाएंगे, अभी हर जगह यही चल रहा है। तो जस्ट आस्क नाम का एक चैटबॉट चालू किए लोग, इसमें जो भी धर लीजिए एडोलेसेंस एज का है या 18 से ऊपर हो रहा है या 13 से 19 का है, कुछ भी सवाल जो सेक्सुअल वगैरह चेंजेस होता है उसे यहाँ पर पूछेगा तो उसका जवाब मिल जाएगा। पॉपुलेशन बढ़ रहा है भाई, सबको सब कुछ जानना चाहिए। अच्छा, मासी ऐप, MASI ऐप और पोर्टल चालू किया गया, पहले तो फुल फॉर्म देख लेते हैं, मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन, ठीक है। ये कौन चालू किया गया है, कौन किया है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPCR, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में आता है। आपको कल ही बता दिया स्मृति ईरानी जी यहाँ की मंत्री हैं, और ये जो NCPCR है ये कब बना था, 2007 में बना था, ठीक है, याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और अभी जो मौजूदा चेयरमैन है इसका प्रियंक कानोंगो,
ठीक है, प्रियंका उनको बच्चा लोग का लेके जो भी प्रोडक्शन राइट है ये इसमें है। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक कॉमिक बुक लॉन्च की जिसका नाम था लेट्स मूव फॉरवर्ड। किससे मिलके? एनसीईआरटी और यूनेस्को मिलके ये कॉमिक बुक बनाया है। स्कूल का, स्कूल में जो हेल्थ होता है, स्कूल हेल्थ, बच्चे लोग का जो हेल्थ रहता है, वेलनेस प्रोग्राम आयुष्मान भारत के अंडर में इसको चालू किया गया है। वैसे आयुष्मान भारत के बारे में मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, अगर आप लोग नहीं देखे तो उसको जाके देखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्यार बांटे, खुशियां बांटे और ज्ञान तो जरूर बांटे।